हेलो दोस्तों, आप सभी का आसास माइंडफुल लिविंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साटिका, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साटिका के बारे में। साटिका एक ऐसी समस्या है जो कमर से नीचे की तरफ होने वाली एक बीमारी है, जो जब होती है तो इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। जब किसी व्यक्ति को साटिका की समस्या होती है तो उन्हें पीठ की तरफ दर्द होता है, जो बहुत ही तकलीफ देह होता है। यह दर्द ज़्यादातर कमर से शुरू होता है और फिर नीचे की ओर फैलता है। इसके अलावा व्यक्ति के पैरों में भी दर्द हो सकता है। आज हम इस समस्या के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बात करेंगे। साइटिका का कारण। साइटिका का कारण होता है नसों में दबाव पड़ना, कमर से नीचे की ओर झुनझुनाहट या नुमाई आने वाला एहसास होता है, जो कि साइटिका के कारण होता है। साइटिका के लक्षण, पैर में दर्द या अनुभव दोष, कमर और पैर में झनझनाहट या झुनझुनी जैसा अनुभव, एक तरफ का दर्द या बेचैनी। निम्नलिखित स्थानों पर अनुभव होने वाले दर्द और संवेदनशीलता। नाभि के नीचे, बक्सर के क्षेत्र और योनि आदि। साटिका की जांच। सामान्यतः साटिका रोग के निदान के लिए चिकित्सक शारीरिक जांच करता है, जिसमें उनकी जांच की जाने वाली वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर आमतौर पर रोगी का चिकित्सक इतिहास लेते हुए, उनके लक्षणों का अध्ययन करते हुए और शारीरिक जांच करते हुए रोगी के निदान को तय करते हैं। साटिका के निदान के लिए डॉक्टर निम्नलिखित टेस्ट आमतौर पर करते हैं। शारीरिक जांच। डॉक्टर रोगी के पास पहले से ही शारीरिक जांच के लिए कुछ आधार देख सकते हैं, जैसे कि वे कैसे चल रहे हैं, उनके पैरों और नसों की स्थिति और उनकी चाल की स्थिति, रेंटजन या सीटी स्कैन। ये टेस्ट नसों, हड्डियों और अन्य आंतरिक संरचनाओं की तस्वीरें बनाने में मदद करते हैं, जो साटिका के लक्षणों के कारण अस्थायी रूप से नुकसान पाती है। MRI। साटिका में अक्सर MRI टेस्ट किया जाता है। MRI टेस्ट के द्वारा शरीर के अंगों के अंदर के चित्रों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए शरीर के अंग के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जो रोगी के अंगों के अंदर के कारणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह टेस्ट साटिका के मूल कारण का पता लगाने में मदद करता है, जिससे उपचार की योजना तैयार की जा सकती है। साटिका का घरेलू उपचार। अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन के उपयोग से साटिका से राहत मिल सकती है। आप अदरक और लहसुन को खाने में शामिल कर सकते हैं या इन्हें ताजे रस के रूप में ले सकते हैं। हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को साटिका के लक्षणों से निपटने में मदद कर सकते हैं। आप हल्दी को दूध के साथ ले सकते हैं या अन्य भोजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। घी में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी गुण साटिका के लक्षणों को कम कर सकते हैं। आप घी को अपने खाद्य पदार्थों में शामिल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का तेल। अदरक और लहसुन का तेल एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्दनाशक गुणों से भरपूर होता है। इस तेल को समय समय पर गर्म करके साटिका से पीड़ित क्षेत्रों पर लगाने से आराम मिल सकता है। साटिका के उपचार। साटिका के उपचार के लिए कुछ मुख्य विकल्प निम्नलिखित हैं, हालांकि कृपया इन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श करने से पहले समझें। दवाएं। साटिका के दर्द नियंत्रण के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे नॉनस्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवाएं और ओपिएट दवाएं, फिजियोथेरेपी। साटिका के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जा सकता है, जो दर्द कम करने और शरीर की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। योग। साटिका में योग बहुत मददगार साबित हो सकता है। ध्यान और प्राणायाम आपके शरीर को आराम देते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। आहार। साटिका में एक स्वस्थ आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अनाज, फल, सब्जियां, दूध और दही आपके शरीर के लिए अधिकतम पोषण प्रदान करते हैं। शाटिका में सही आहार। शाटिका में सही आहार के सेवन से आपको आराम मिल सकता है। निम्नलिखित आहार शाटिका के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ जो विटामिन डी से भरपूर हो, जैसे मशरूम, सूरजमुखी के बीज और मछली। खाद्य पदार्थ जो विटामिन B12 से भरपूर हो, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। खाद्य पदार्थ जो विटामिन सी से भरपूर हो, जैसे संतरा, नींबू, अमरूद। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे कीटनाशक एवं दर्द नाशक तेल जो शाटिका में लाभकारी हो सकते हैं, जैसे कि नारियल तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल। हल्दी जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। शुद्ध गंधक जो संयम और दुर्बल तंत्रों के लिए लाभकारी होता है। पौष्टिक आहार जैसे फल, सब्जी, अनाज और अंडे। वीडियो में हमने शाटिका के बारे में जानकारी दी है जो इस समस्या से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान कर सकती है। हमने इस समस्या के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताया है। इसके अलावा हमने इस समस्या के घरेलू उपचार भी बताए हैं जो लोगों को इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप शाटिका से पीड़ित हैं तो आप अपने चिकित्सक से उपचार के विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस समस्या के समाधान में समय लगता है, लेकिन सही उपचार आपको इस समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, लाइक, शेयर कीजिए। चैनल के सपोर्ट के लिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।